इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? वो गैर थोड़े ही हैं, वो तेरे अपने बच्चे हैं, अपना खून है। जब वही जुदा होना चाहते हैं तो तू उन्हें झूठे बंधनों में क्यों बांध कर रखना चाहता है? घर बेच दे मुन्ना, घर बेच दे। माँ, ये तुम कह रही हो? तुम तो इस घर में बड़ी हो, तुम्हें तो हम सबको बांध के रखना चाहिए। जबरदस्ती बंदिशों में बांध कर रखने से क्या फायदा? आदमी का रिश्ता प्यार से बनता है, बंदिशों से नहीं। अगर हम अभी बंटवारा नहीं करेंगे तो तेरे बच्चे तेरे खिलाफ हो जाएंगे, ये घर छोड़कर चले जाएंगे। फिर इस घर को लेकर हम क्या करेंगे? काटने को दौड़ेगा ये घर। क्या तू चाहता है वो ये घर छोड़कर चले जाए? माँ, इसीलिए तो मैं ये घर बेचना नहीं चाहता। तू बेच दे घर को, बांट दे सबको रुपया। जब अकेले रहेंगे ना तो इनको एहसास होगा कि बाप क्या होता है, बाप का प्यार क्या होता है, एकता क्या होती है और रिश्ते क्या होते हैं। इतने साल एक साथ रहे हैं ना, कोई अकेले नहीं रह पाएगा, मैं जानती हूं। नहीं माँ, उनकी बातों से, उनके इरादों से ऐसा लगता है कि अब वे अलग रहना चाहते हैं, और अब की बार एक बार जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। माँ, तुम अपनी तो सोचो, हम क्या करेंगे? हमें किसी बेटे की जरूरत नहीं। क्या हम इनके सहारे दुनिया में आए थे? जब माँ बाप जबरदस्ती औलाद पर बोझ बन जाते हैं तो उसे सहारा नहीं कहते। मैं तो यहां नहीं रहूंगी और तुझे भी नहीं रहने दूंगी। मेरी बात मान ले, बंटवारा कर दे। समझ में नहीं आ रहा माँ, मैं क्या करूं? हम आज हैं कल नहीं। जब इनके दिमाग में बंटवारे की बात आ ही गई है तो कर क्यों नहीं देते? भगवान न करे हमारे पीछे ये बंटवारे पर झगड़ पड़ेंगे तो विश्वंभरनाथ दीवान के खानदान का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। मेरी बात मान, बंटवारा कर दे। हाँ माँ, तुम ठीक कहती हो, मैं बंटवारा कर देता हूं।